जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्जाम टॉपर्स में। कल की क्लास में हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक या प्राकृतिक स्वरूप के बारे में हमने अध्ययन करा था, जिसमें मध्य प्रदेश को हमने भौतिक रूप से तीन भागों में बांटा था, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश को सात भागों में बांटा जा सकता है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, पूर्वी पठार, नर्मदा सोन घाटी एवं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इसमें से हमने कल तीन पर चर्चा कर ली थी, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। आज हम चौथी चीज पर चर्चा करते हैं, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो रीवा पन्ना के पठार का कुल क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर। कितना? 31,954 वर्ग किलोमीटर क्या है रीवा पन्ना के पठार का कुल क्षेत्रफल है। और ये मध्य प्रदेश के देखा जाए क्षेत्रफल का कितना है, तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का है 10.36% है। कितना है? 10.36% है। अब इस रीवा के पन्ना के पठार का विस्तार किन किन जिलों में हमें देखने को मिलता है, तो नाम से दिख रहा है रीवा, पन्ना, सतना, सागर, दमोह आदि जिले में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से? रीवा, सागर, पन्ना, दमोह आदि जिले में हमें इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब देखा जाए यहाँ पर हमें मिट्टी कौन सी सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? मिश्रित मिट्टी, चाहे वो लाल पीली हो या काली। तो हमें सर्वाधिक कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? यहाँ पर मिश्रित मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें, तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो भी इस पठार से होकर जाती है वो सब गंगा या यमुना की सहायक नदी है। कौन सी है? गंगा या यमुना की सहायक नदी है, चाहे वो टोंस हो गया, सोन हो, ओके, या फिर देखा जाए आपकी धसान हो, केन हो, बेतवा हो, महाना हो, है ना, सोन हो गई, आपकी धसान हो गई, बिहड़ हो गई, ओके, आपकी देखा जाए तमसा हो गई, ओदा हो गई या महाना हो गई, ये सब किसके पठार की देखा जाए नदियाँ हैं? ये सब रीवा के पन्ना के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। अब रीवा का पन्ना का जो पठार है इसका औद्योगिक विकास जो है वो नाम मात्र का है, इतना औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का हुआ नहीं है। परंतु यह जो क्षेत्र है चीनी मिट्टी, कत्था, तेंदुपत्ता और हीरे तराशने के रूप में सर्वाधिक यह स्थल प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? चीनी मिट्टी, कत्था, तेंदुपत्ता, सीमेंट और हीरा तराशने के लिए यह स्थल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब देखा जाए पन्ना, यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर हीरे का उत्पादन होता है या खनन होता है, ओके। तो हीरे का देखा जाए तराशने या उत्पादन होने का स्थल कौन सा आ गया? पन्ना आ गया। इसी के अंतर्गत आता है आपका सतना, जो सर्वाधिक काय के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट कारखानों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब देखा जाए इसी के अंतर्गत हम धार्मिक स्वरूप की बात करें, तो धार्मिक स्वरूप के रूप में यहाँ पर एक स्थल आता है सतना के अंतर्गत मेहर। मेहर के अंदर शारदा भवानी का मंदिर है और अभी हाल ही में देखा जाए भूतपूर्व कमलनाथ सरकार के द्वारा इसी मेहर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। किस जिले से तोड़कर बनाने की गई थी? सतना जिले से तोड़कर उसको जिला बनाने की घोषणा की गई थी, जो अभी हाल ही में विचाराधीन है। जिला बनता है या नहीं बनता है वो भविष्य का विषय होगा, परंतु अभी आपको ये याद रखना है कि मेहर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। किस सरकार द्वारा? तो कमलनाथ सरकार के द्वारा। अब अगला स्थल आता है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। कौन सा? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। इसका जो देखा जाए आपका किलोमीटर है वो कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 19,611 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। कितना? 19,611 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 6.3
6.36% है, कितना है 6.36% है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हमें देखा जाए प्राकृतिक स्वरूप देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, मालवा का पठार, और सबसे छोटा कौन सा है, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब पूर्वी पठार का जो विस्तार है वो कौन कौन से क्षेत्र देखा जाए जिले में है, तो आपका देखा जाए सीधी हो, सिंगरौली हो, शहडोल हो, अनूपपुर हो, कटनी हो, जबलपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, सीधी हो, सिंगरौली हो, शहडोल हो, अनूपपुर हो, जबलपुर हो, कटनी आदि क्षेत्रफल इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वह देखा जाए कर्क रेखा भी पूर्वी पठार को बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात पूर्वी पठार को कितने भागों में बांटती है, वो भी दो भागों में बांट देती है। ये जो पूर्वी पठार है ये सर्वाधिक देखा जाए ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए प्रसिद्ध है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है बेड़न सिंगरौली, वह कहाँ पर स्थित है, पूर्वी पठार में ही स्थित है। यह क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात सर्वाधिक कोयले उत्पादन के क्षेत्र भी कहाँ है, यहीं पर है। चाहे वह आपका सुहागपुर हो या सिंगरौली हो, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखा जाए, यह क्षेत्र लाल तथा पीली मिट्टी का क्षेत्र भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके देखा जाए यहाँ की प्रमुख जो फसल है वो चावल है, परंतु इसके अलावा अलसी है, चावल है, और मोटे अनाज की खेती सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, हमें पूर्वी पठार में हमें देखने को मिलती है। अब अगला जो आता है वो आता है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। कौन सा आता है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। अब इसका देखा जाए कितना किलोमीटर में यह फैला हुआ है, तो यह कितने में, 83,637 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना, 83,637 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 27.14% है। कितना, 27.14% है। अब इसका नर्मदा सोन घाटी का विस्तार हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तो नर्मदा सोन घाटी का हमें विस्तार अलीराजपुर से लेकर शहडोल तक देखने को मिलता है। शहडोल और अलीराजपुर तक हमें देखने को मिलता है। यह मध्य प्रदेश का देखा जाए सबसे नीचा स्थल जो है, देखा जाए सबसे नीचा स्थल जिसको हम क्या कहते हैं, पातालकोट, वह कहाँ पर आता है, तो इसी नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। अब नर्मदा सोन घाटी जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत हमें सर्वाधिक कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो इसके अंतर्गत हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। इसी के अंतर्गत नाम से स्पष्ट है कि इसमें नर्मदा नदी है, तो नर्मदा और सोन की जितनी भी सहायक नदियाँ वो सब इसी के अंतर्गत आएगी, चाहे वो तवा हो, शक्कर हो, दूधी हो, हिरण हो, चंद्रशेखर हो, हथनी हो, आदि जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं वो सब इसी क्षेत्र में हमें बहती हुई दिखाई देती है। खनिज रूप से यह क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, क्योंकि इसी नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं, चाहे वो चीनी मिट्टी हो, चूना पत्थर हो, मैग्नीज हो, है ना, संगमरमर हो, कोयला हो, है ना, ये आदि कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ये सब नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। संगमरमर आपका देखा जाए जबलपुर का भेड़ाघाट सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ओके, कोयला है ना, सतपुड़ा हमें देखा जाए नर्मदा और सोन घाटी के अंतर्गत हमें बहुत सारे कोयला क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, तो सब इसी के अंतर्गत देखे जाते हैं। दर्शनीय स्थल देखा जाए तो दर्शनीय स्थल काफ़ी प्रसिद्ध है, चाहे वो आपका ओंकारेश्वर हो, महेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, नेवावर हो, जबलपुर हो आदि। निमावर जो आपका देखा जाए, ये स्थल कहाँ पर पास में पड़ता है, आपका ये होशंगाबाद के स्थल के पास में हमें देखने को मिलता है। ये सब इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान आता है, जिसको अपन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, बताइए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, तो वह हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वह हमें नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है।
है ना। अब आगे हम अगली चर्चा करेंगे, इसी का लास्ट पॉइंट है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी देखा जाए, वैसे मैं आगे आपको पर्वत वाला चैप्टर बताऊंगा तो सतपुड़ा के जो तीन भाग होते हैं वो तीनों भागों के बारे में बताऊंगा, परंतु अभी हाल ही में हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की बात करते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है 31,317 किलोमीटर है। कितना है? 31,317 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 31,317 वर्ग किलोमीटर है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.16 प्रतिशत है। कितना? 10.16 प्रतिशत है, अर्थात 10.16 प्रतिशत हमें देखने को मिलता है। इसका विस्तार हमें देखा जाए बड़वानी से लेकर, तो कहाँ तक देखने को मिलता है? बालाघाट तक देखने को मिलता है। कहाँ से? बड़वानी से लेकर हमें बालाघाट तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। सतपुड़ा के अंतर्गत देखा जाए हमें तीन भागों में हम सतपुड़ा को बांट सकते हैं। कौन कौन सा आता है? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मेकाल श्रेणी। मैं आगे आपको पर्वत जब पढ़ाऊंगा तो ये तीनों भाग पढ़ाऊंगा, आपका पश्चिमी भाग भी, पूर्वी भाग भी और मेकाल श्रेणी भी। पश्चिमी भाग के अंतर्गत देखा जाए आपका बुरानपुर, महाराष्ट्र के रतनपुर से लेकर बुरानपुर तक का हिस्सा। पूर्वी भाग में बुरानपुर से लेकर आपका देखा जाए तो कहाँ तक का? बैतूल तक, छिंदवाड़ा तक का हिस्सा। और मेकाल श्रेणी में आपका देखा जाए तो अनूपपुर तक का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। इसी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत हमें बहुत सारी ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, चाहे वो धूपगढ़ हो जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, है ना। धूपगढ़ की ऊंचाई समुद्र स्थल से कितनी है? तो धूपगढ़ की समुद्र स्थल से ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है, है ना। कुछ कुछ बुक में हमें 1350 मीटर भी देखने को मिलती है। तो ये आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, 1360 मीटर भी और 1350 मीटर भी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचमणि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचमणि में स्थित है। पंचमणि मध्य प्रदेश का एकमात्र, क्या देखा जाए तो क्या है? एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी कौन सा है? पंचमणि है। पंचमणि देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? तो 1999 में बना था। कब बना था? 1999 में बना था। दूसरा कौन सा था मध्य प्रदेश का? अचानक कुमार, वो कब बना था? तो 2005 में। और तीसरा कौन सा है? पन्ना, तो वो कब बना था? 2011 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं? तीन आते हैं, उसमें से देखा जाए पंचमणि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला देखा जाए तो इस सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत हमें सर्वाधिक कौन कौन से कारखाने देखने को मिलते हैं? तो वह आता है सबसे पहला कागज का कारखाना, जो कहाँ पर आता है? नेपानगर अर्थात बुरानपुर में हमें देखने को मिलता है। खनन उद्योग, सर्वाधिक खनन उद्योग हमें कहाँ देखने को मिलता है सतपुड़ा श्रेणी में? तो बैतूल और छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? बैतूल और छिंदवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंतर्गत क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक स्वरूप कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्वरूप कौन सा है? तो वो मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। जानापाव, धजरी, गोमनपुर आदि सब किसकी ऊंची चोटियां हैं? मालवा के पठार की ऊंची चोटियां हैं। अब देखा जाए सिद्ध बाबा की चोटी किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिद्ध बाबा की चोटी कौन से पठार की ऊंची चोटी है? बुंदेलखंड के पठार की ऊंची चोटी है। सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? तो सरसों की हांडी मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। ओके, खजुराहो किस देखा जाए किस पठार के अंतर्गत आता है? तो खजुराहो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अब देखा जाए सतना मेहर किस पठार के अंतर्गत आता है? तो वह रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अब देखा जाए अनूपपुर, शहडोल किस पठार के अंतर्गत आते हैं? तो वह पूर्वी पठार के अंतर्गत हमें देखने को
मिलते हैं। अब देखा जाए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल हमें कहाँ देखने को मिलता है, सतपुड़ा श्रेणी में। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थल नर्मदा सोन घाटी में। आदि इस टाइप के हमें क्वेश्चन कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमें इस देखा जाए मध्य प्रदेश के भौगोलिक और प्राकृतिक स्वरूप से हमें देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए तेंदुपत्ता सर्वाधिक कहाँ होता है, तेंदुपत्ता सर्वाधिक कहाँ होता है, तो तेंदुपत्ता सर्वाधिक हमें रीवा पन्ना का पठार में देखने को मिलता है। तेंदुपत्ता को आज की तारीख में जीवन का आधार भी कहते हैं। जीवन का आधार क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति आज की तारीख में देखा जाए जब उसे नशा करने का शौक होता है तो वो सबसे पहले तेंदुपत्ता से एक चीज़ बनती है बीड़ी, उसी से वो नशा करना स्टार्ट करता है और बाद में अब वो कहाँ पर पहुँच जाता है ये आप सभी उससे परिचित हैं। परंतु देखा जाए आज की तारीख में नशा नहीं करना चाहिए, भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं उसका सेवन करना चाहिए और शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। अब देखा जाए आज के इस वर्तमान की कोरोना की महामारी में व्यक्ति इतना परेशान हो चुका है कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी उसका बहुत सारा टेंशन है। अब देखा जाए एग्ज़ाम तो होना है, चाहे वो 2020 में हो या 2021 में हो। आपके सामने देखा जाए हाल ही में जेल फेरी की एग्ज़ाम तो दिख ही रही है, भविष्य में कभी भी आपके सामने कॉन्स्टेबल की एग्ज़ाम है ना, या फिर सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम, या भी देखा जाए एक सबसे महत्वपूर्ण है आपकी देखा जाए टीचर भर्ती जिसे अपन वर्ग 3 कहते हैं उसकी भी एग्ज़ाम भविष्य में होना है। कृपया अपनी तैयारी आप महत्वपूर्ण करके करते रहें, डीमोटिवेट ना हो। आज की तारीख में डीमोटिवेट से बाहर आने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम डीमोटिवेट से बाहर आ सकते हैं और इस समस्या का सामना कैसे करना है। इस जीवन में देखा जाए दुख तो आते हैं परंतु दुख के बाद सुख आना है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य दिए थे उस चार आर्य सत्य क्या थे, दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध मार्ग है और दुख का निरोध मार्ग कैसे दूर किया जा सकता है। अर्थात दुख है तो सुख आना है, सुख है तो दुख भी आना है, ये एक देखा जाए घड़ी के माध्यम से चलते रहते हैं। एक आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार के पास एक मूर्ति बनाने का आर्डर आता है। मूर्तिकार जंगल में जाता है और वहाँ पर पत्थरों को देखता है, उन पत्थरों को देखता है तो वहाँ पर उसे दो पत्थर पसंद में आ जाते हैं। वन से उस दो पत्थरों को लेकर वो अपने कारखाने में लेकर आता है। उसमें से पहले पत्थर के ऊपर जब वो मूर्ति तराशने का कार्य प्रारंभ करता है और हथौड़ी और छीनी की चोट जब उस पहले पत्थर पर पड़ती है तो उस पत्थर में से आवाज आनी प्रारंभ हो जाती है। मूर्तिकार पूछता है इस पत्थर से कि आवाज आपके इसमें से आ रही है, कहे हाँ क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है कृपया मुझे छोड़ दीजिए। पहला पत्थर क्या बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है, फिर दूसरा पत्थर उठाता है और दूसरे पत्थर पर वापस जैसे पहले पत्थर के ऊपर हथौड़ी और चीनी से मार करी थी उसी प्रकार दूसरे पत्थर के ऊपर मार करना प्रारंभ कर देता है। मूर्तिकार दूसरे पत्थर से पूछता है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तो पत्थर जवाब क्या देता है, मुझे दर्द तो हो रहा है परंतु मैं सहन कर रहा हूँ। दूसरा पत्थर उस दर्द को सहन करके एक सबसे अच्छी अद्भुत मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाद में जब जिस व्यक्ति ने मूर्ति का आर्डर दिया था वही व्यक्ति मूर्ति खरीदने के लिए उस देखा जाए कारखाने में आते हैं। मूर्ति को देखकर काफ़ी देखा जाए हर्षोल्लास में उनका मन भर जाता है, मूर्ति खरीद भी लेते हैं। जब मूर्ति लेकर जब जाते हैं तो उनकी नज़र उस पत्थर पर पड़ती है जिसने दर्द सहन नहीं करा था। फिर उस मूर्तिकार से पूछते हैं कि पत्थर आपके काम का है, कि हमें कुछ भी काम का नहीं है, कृपया ये पत्थर हमें दे दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा ये पत्थर आपके किस काम के रूप में आएगा, कि कुछ भी नहीं, जिस स्थान पर हम मूर्ति रखेंगे उस स्थान के सामने यह पत्थर सामने रख दिया जाएगा ताकि यह नारियल फोड़ने के रूप में काम आएगा। अब इस देखा जाए नारियल फोड़ने के रूप में काम आएगा, जिसने जरा सी देर दर्द सहन नहीं करा उसे जिंदगी भर दर्द सहन करना होगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, देखिए मूर्ति तो आपने पहले दूसरे पत्थर ने दर्द सहन करा वो मूर्ति काय के रूप में परिवर्तित हो गई एक मूर्ति के रूप में और पूजाना प्रारंभ हो गई।
एक पहला पत्थर जिसने दर्द सहन नहीं करा उसकी जिंदगी भर क्या होती रही, ठुकाई होती रही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में जाता है, मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाता है और सिर झुकाता है तो नज़र कहाँ पड़ती है, उस पत्थर पर, और नारियल को देखकर उस पत्थर पर ही फोड़ देता है। तो इससे ये मिलता है कि जिंदगी में दुख दर्द आते हैं परंतु हमें सहन करना है। आज देखा जाए दुख है तो सुख आना है। आज के इस कोरोना महामारी में आपको इतना टेंशन भी नहीं लेना है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। 2021 आपके लिए अच्छा साल बनकर आएगा, क्योंकि 2021-22 देखा जाए पूरे भारत में चुनावी साल के रूप में कहे जाएंगे। और भारत में तो चुनावी साल में देखा जाए वैकेंसी आती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, इन सभी जगह आपको देखा जाए भविष्य में हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। और उसमें वही व्यक्ति सफल हो पाएंगे जो हमेशा से दौड़ते आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो पाएंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करेंगे। ओके, ऐसा नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद में हम पढ़ाई करें, नहीं, हमें पढ़ाई करते रहना है। नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद केवल हमें सिलेबस को क्या करना है, समेटना ही है, और यही हमारी सफलता का राज बनता है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।